दोस्तों, आज दुनिया में चाहे स्कूल जाना हो, बैंक या ऑफिस, सभी निश्चित समय में खुलते हैं। आज हमारे पास समय देखने के लिए कई तरह के घड़ी मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार कैसे और किसने किया? अगर आप भी नहीं जानते हैं तो बने रहें आज के इस वीडियो में। आज हम घड़ी के आविष्कार की पूरी कहानी बताने वाले हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। घड़ी का आविष्कार दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारकों में एक माना जाता है, क्योंकि इसके आविष्कार के बाद ही लोग एक्यूरेट समय का पता लगा पाए। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सूरज की दिशा को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन जब आसमान में बादल होता था तब समय का पता नहीं चल पाता था। इसीलिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार किया। घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है, जिन्होंने सन 1996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किए थे, जिसके बाद यूरोप में घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी में होने लगा था। यह घड़ी बहुत बड़ा होता था और इसे दीवालों में लगाया जाता था। हालांकि इस समय तक बनी यह घड़ी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। सबसे पहले घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बार्गी ने किया था। फिर बाद में जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हैनलिन ने ऐसी घड़ी बना डाले थे जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। लोग इस घड़ी को पॉकेट में रखने लगे थे, इसीलिए इसे पॉकेट घड़ी भी कहा जाता था। पॉकेट वॉच को कहीं भी ले जाया जा सकता था, लेकिन समय देखने के लिए बार बार निकालना पड़ता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इस पैकेट घड़ी में धागा लगाकर हाथ में बांध लिए थे, जिसके बाद लोगों में हाथों में घड़ी पहनने का प्रचलन शुरू हुआ था। वक्त के साथ हाथ घड़ी का चलन बढ़ने लगा, लेकिन दोस्तों, बैटरी वाली घड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो सामने थी वह थी कि आखिर इतने छोटे साइज की बैटरी कैसे बनाई जाए। इस काम का जिम्मा हैमिल्टन नाम की कंपनी को सौंपा गया, जो सालों तक कई असफलताओं के बाद आखिर एक ऐसी बैटरी बनाने में सफल हुए जो घड़ी में लगाया जा सके। और इस कंपनी ने 1957 में एक घड़ी दुनिया के सामने लाई, जिसका नाम हैमिल्टन 500 रखा गया। इसके आते ही इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग पहली बार में खरीदना शुरू कर दिए थे, और यह घड़ी पहली बैटरी से चलने वाली घड़ी थी। इसके बाद 1970 आते आते हैमिल्टन 500 पूरी तरह फ्लॉप होने लगी। उसी समय मार्केट में एक और नई और ज्यादा सटीक टाइम बताने वाली ट्यूटाज एस्ट्रोन ने अपनी नई घड़ी बाजार में लॉन्च किया, जो घड़ी आज के घड़ी की जैसे थी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।